नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नॉट जॉइनिंग, हॉरिजॉन्टल और कैरी फॉरवर्ड से संबंधित विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। इसके पहले आप ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जितने भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 से जुड़े हुए हैं, उन सभी तक यह जानकारी पहुँच सके। तो साथियों, आप लोग को पता होगा हाई कोर्ट से हॉरिजॉन्टल का सुधार का आदेश 5 सितंबर 2017 को आ चुका है और कैरी फॉरवर्ड का भी आदेश 4 मई 2018 को आ चुका है, परंतु अभी तक भर्ती बोर्ड ने कोई उचित कदम नहीं उठाया है। काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का डीवी और मेडिकल होना था, जिनकी संख्या करीब 13,479 है। तो भाइयों, आप लोग भी समझदार हो और आप लोग ये बात जानते हो कि कैरी फॉरवर्ड में कितने पद आप लोगों को मिल रहे हैं। दोस्तों, कैरी फॉरवर्ड में 3,418 पद का जिक्र किया गया है, जिस और हॉरिजॉन्टल में आप लोग को अभी नहीं पता होगा कि कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि उसमें लड़कियों का क्षैतिज आरक्षण गड़बड़ा गया है, जिसके कारण सुधार अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लड़की जनरल की लड़कियां नहीं हैं। और जनरल की महिलाएं अगर नहीं मिलती हैं तो उसमें पुरुष अभ्यर्थियों को लाभ होगा, क्योंकि विज्ञप्ति में भी ऐसा दिया हुआ है कि अगर महिलाओं की सीट रिक्त रह जाती है तो उस पर पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हॉरिजॉन्टल और कैरी फॉरवर्ड दोनों का सुधार होकर भर्ती बोर्ड अगर लिस्ट डालता है तो उसमें हम सभी अभ्यर्थियों को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर जब भर्ती बोर्ड ने हाई कोर्ट में काउंटर लगाया था तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि 4,000 लोगों का परिवर्तन होगा और 1972 अभ्यर्थी नए लोगों को लाभ मिलेगा और करीब 2400 OBC की महिलाएं इसमें बाहर चली जाएंगी। तो दोस्तों, 1972 बहुत कम सीट है और कैरी फॉरवर्ड में आप लोग को पता है 3,418 पदों का जिक्र है। अगर हम इन दोनों पदों को जोड़ देते हैं तो 5,390 पद बनते हैं। और भाइयों, हम लोगों की संख्या बहुत अधिक है, 13,479, जिनका डीवी और मेडिकल के लिए 10 अप्रैल 2018 को लिस्ट जारी की थी, लेकिन 13 अप्रैल 2018 को भर्ती बोर्ड ने अपनी साइट से हटा लिया। तो भाइयों, ये बहुत बड़ी समस्या है कि अगर हम लोगों को नॉट जॉइनिंग का सीट नहीं मिलता है तो इसमें इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हो पाना असंभव है। असंभव मुश्किल भी है, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी कम है और अभ्यर्थी अधिक हैं। तो भाइयों, मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, हो सके तो वो नॉट जॉइनिंग के केस में अच्छी पैरवी करें। नॉट जॉइनिंग का केस आपको पता हुआ है, हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है और उसमें पैरवी करने वाला कोई नहीं है। अगर उसमें पैरवी की जाए तो हम लोगों को नॉट जॉइनिंग की सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि दोस्तों, आप एक बात जानते हैं कि भर्ती बोर्ड कोई भी काम करेगा तो वो कोर्ट के अनुसार ही करेगा। और आप सभी को ये पता है कि कोर्ट से अभी केवल दो ही आर्डर पास हुए हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल का और दूसरा कैरी फॉरवर्ड का। नॉट जॉइनिंग का अभी कोई जिक्र नहीं है। तो भाइयों, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर अगर इस नॉट जॉइनिंग के लिए लड़ा जाए, उसको अच्छी उसकी पैरवी की जाए, सीनियर वकील खड़े किए जाएं, तो हम लोगों को नॉट जॉइनिंग की सीटें भी मिल सकती हैं। और आपको मैं बता दूं, RTI के माध्यम से मुझे पता चला है कि करीब 6 से 6,500 के बीच में नॉट जॉइनिंग में सीटें खाली हैं। तो भाइयों, अब जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, वरना घर पर तो सभी बैठे हैं और ऐसे ही अगर नौकरी चली जाएगी हाथ से आई हुई तो बहुत अफसोस होता है। आज की डेट में नौकरी पा पाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो भाइयों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।